केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कर्मचारी सरकार इन सिफारिशों को लेकर नाराज है। उनका कहना है कि सरकार वेतन में बहुत कम बढ़ोतरी की है। नाराज कर्मचारियों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस हड़ताल के समर्थन की बात कही है। दरअसल कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अगुवाई वाली सचिवों की कमेटी ने 18 से 30% तक सैलरी और भत्ते बढ़ाने की सिफारिश की थी। वहीं जस्टिस अशोक कुमार माथुर के नेतृत्व वाले पे कमीशन ने न्यूनतम 18,000 रुपये और अधिकतम 2,50,000 रुपये मासिक वेतन की सिफारिश की है। कमीशन ने सैलरी, पेंशन और अलाउंस मिलाकर कुल 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। नया वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार तुरंत इसका ऐलान करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू मानी जाएंगी और एरियर इसी साल मिल जाएंगे। हालांकि केंद्र कर्मचारी इन सिफारिशों को लेकर नाराज है। अभी वेतन आयोग पहला ऐसा वेतन आयोग है जिससे पहले डीए जो है वो बेसिक में मर्ज नहीं हो रहा है। 125% डीए है और वो बेसिक में मर्ज नहीं हुआ है। इससे पहले जितने भी वेतन आयोग थे उन हर एक वेतन आयोग के अंदर बेसिक डीए के अंदर उससे पहले पूरा का पूरा, जैसे ही 100% से ऊपर होता है तो बेसिक पूरा का पूरा डीए के अंदर मर्ज हो जाता है, और 125% डीए हो जाने के बावजूद वो डीए के अंदर बेसिक डीए में मर्ज नहीं हुआ। लिहाजा सरकारी कर्मचारियों को बहुत सारी चीजों की वजह से दिक्कत और नुकसान में रहना पड़ा। सरकार ने मात्र 15% सैलरी हाइक किया है, ना कि 23.5%, क्योंकि ये 15% सैलरी हाइक बेसिक सैलरी पर है। सरकार इस बारे में झूठे दावे कर रही है। दूसरी बात, आप अगर इसे कांग्रेस सरकार से और पिछले वेतन आयोग से मुकाबला करके देखें तो कांग्रेस सरकार ने छठे वेतन आयोग में सिफारिश आई थी 20% सैलरी हाइक की, पर हमने उसमें 100% इजाफा किया और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 40% सैलरी हाइक दिया था। सातवें वेतन आयोग में मौजूदा ने लगभग 14.5% सैलरी हाइक की सिफारिश की और मोदी सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरे के समान 15% सैलरी हाइक दिया। ऐसा क्यों? क्या मोदी जी 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को जवाब देंगे?